बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब सेंटर में मैं हूँ मोहम्मद अबुज़र। दोस्तों आज आप लोगों से जो शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, मुख्तलिफ़ किस्म की जो असामियाँ हैं वज़ारत दाखिला हुकूमत पाकिस्तान यानी डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट इस्लामाबाद के ज़ेर साया, पूरे मुल्क से जो दरख्वास्तें मतलूब हैं पाकिस्तानी शहरों से, मुख्तलिफ़ किस्म की असामियाँ हैं, 200 असामियाँ हैं ये, तो इसकी तफसील बताता हूँ। लेकिन इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जॉब्स की न्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। दोस्तों इसमें पहले नंबर पर असिस्टेंट स्केल नंबर 15 की 5 असामियाँ हैं। इसके लिए 18 से 33 साल एज लिमिट है, यानी यहाँ पर जो 5 साल की एज रिलैक्सेशन है वो मैं साथ बता रहा हूँ। पाकिस्तान में किसी भी जगह यानी तबादला किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है या तैनात भी किया जा सकता है। ग्रेजुएशन तालीम है, कंप्यूटर जानता हो, ये पंजाब में है, एक सीट है पंजाब में ख्वातीन के लिए है, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इनकी एक एक असामी है, पंजाब में 2 हैं। फिर स्टेनो जो टाइपिस्ट हैं, 14वें ग्रेड की 14 असामियाँ हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट है इसकी। FA मांगा गया है, 740 सफाज पर मिनट के लिहाज से शार्ट हैंड स्पीड भी वो भी मांगी गई है। और उसके अलावा ये जो असामे हैं पंजाब में 6 हैं और ख़वातीन के लिए 1 है, मेरिट पर 1 है, सिंध में भी असामियाँ हैं। और इसी तरह अगले नंबर पर जो असामियाँ हैं प्रिंटिंग स्टाफ की 2 असामियाँ हैं। 12वां स्केल है, 18 से 30 साल एज लिमिट है। इसके लिए 1 साल डिप्लोमा मांगा गया है कंप्यूटर कंप्यूटर में, साथ उसके जो BA है वो होना ज़रूरी है। और इसमें जो पंजाब में 1 है और सिंध में 1 है। इसके अलावा दूसरे चौथे नंबर पर डेटा एंट्री ऑपरेटर ख़वातीन की 5 असामियाँ हैं। BPS 11वें के लिए 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट है। और इंटरमीडिएट FA मांगा गया है, कंप्यूटर चलाना जानता हो, फाटा में ये 5 असामियाँ हैं। फिर अगले नंबर पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की ख़वातीन के लिए 74 असामियाँ हैं, 74 असामियाँ, 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। और इनके लिए मकामी से मुराद ये है कि जो मैं आपको अजला बता रहा हूँ उन अजला की ख़वातीन अपने अपने अजला में अप्लाई करेंगी। इंटरमीडिएट मांगा गया है, FA साथ कंप्यूटर चलाना जानती हूँ। तो दोस्तों इसमें काफ़ी सारे अजला है, मैं कोशिश करता हूँ, यानी कोटा, अटक है, जेलम, चकवाल, मंडी बहादुर गुजरात, सियालकोट, टोबाटेक, सिंह, चिनोट है, रेवेंड, शहदरा, नरकाना साहब, सरगोधा, सहिवाल, जलालपुर, इस तरह DG खान, मुजफ्फरगढ़, बखर, बहावल लंगर, खानेवाल, लिया, ज़ियारत, ये तकरीबन तमाम अजला हैं पाकिस्तान के जो इस में शामिल हैं, कि एक दो दो असामी हैं इनमें। फिर उसके बाद दोस्तों जो अपर डिवीज़न क्लर्क की हैं और लोअर डिवीज़न क्लर्क की हैं, अपर डिवीज़न की 11 असामियाँ हैं, लोअर डिवीज़न की जो हैं वो 16 असामियाँ हैं। 18 से 30 साल इनके लिए लिमिट है दोनों के लिए। जो अपर डिवीज़न के लिए मैट्रिक इंटरमीडिएट मांगा गया है साथ कंप्यूटर, और लोअर के लिए मैट्रिक मांगी गई है, 30 अल्फाज फी मिनट के लिहाज से कंप्यूटर चलाना जानता हो, ये पंजाब में भी हैं, ख़वातीन के लिए भी हैं, सिंध, शहरी सब के लिए हैं। उसके बाद जो ड्राइवर की 2 किस्म के असामे हैं, ड्राइवर स्केल नंबर 1 के लिए जो 1 असामी है, माफ़ कीजिएगा, स्केल नंबर जो ड्राइवर की 5वें स्केल के लिए 1 असामी है, उसके लिए प्राइमरी पास मांगा गया है, 18 से 30 साल एज लिमिट है। और फिर ड्राइवर जो 4था स्केल है उसकी 3 असामियाँ हैं, उसके लिए प्राइमरी पास। इसी तरह नायब कासिद की हैं 8 असामियाँ, चौकीदार की 22 असामियाँ हैं, और फराश की 4 असामियाँ हैं, स्वीपर की 7 असामियाँ हैं। तो इन सब के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट है। और ये तमाम किस्म के इलाके जिसमें पंजाब के हैं, सियालकोट, हैदराबाद, उसके अलावा कोहाट, मीरपुर खास, क्वेटा, DI खान, मुल्तान, कराची, ये इलाके हैं जिनमें इनकी तैनाती होगी। तो दोस्तों इनके लिए ये है कि आप लोगों ने अप्लाई करना है, मैं लास्ट डेट बताता हूँ आपने कब तक अप्लाई करना है। 9 मार्च 2019 तक अप्लाई करना है आपने। और इसका तरीक़ाकार ये है कि जो www.ots.org.pk यानी ओपन टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से आपने डिपॉजिट स्लिप और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके डिपॉजिट स्लिप किसी भी बैंक की ब्रांच से जो मुतलका है वहाँ पर आपने उसको जमा करा के फिर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके ये ओरिजिनल जो डिपॉजिट स्लिप है ये भी साथ लगा कर
आपने 9 मार्च तक इस पते पर भेज देना है, यानी इसका जो एड्रेस है ओटीएस का वो बता देता हूँ। मैनेजर ऑपरेशन ओपन टेस्टिंग सर्विस एस दफ्तर नंबर 1 क्रिसेंट मॉल कमर्शियल सेंट्रल एवेन्यू रोड फेज 6 बहरिया टाउन इस्लामाबाद। इस पते पर दोस्तों आपने 9 मार्च तक ये तमाम अपनी एप्लीकेशनें भेज देनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।